Hello everyone, how are you? I think you will be fine. I am Neelam and I welcome to all of you to our study channel Kautilya Study Zone. 9th class की हमारी geography की series जो वो ख़त्म हो चुकी है, आज हम अपनी 10th class की geography की series start करने जा रहे हैं. तो आज हम अपना first chapter इसके अंदर discuss करेंगे और आज का हमारा topic है resources and development. तो देखिए, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि रिसोर्सेज जो है हमारे लिए वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनको हम अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, यानी अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए जिनको यूज़ करते हैं. तो देखिए, एनवायरनमेंट के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी थिंग्स जो हमें मिलती हैं जिनके द्वारा हम अपनी क्या करते हैं, नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो रिसोर्सेज कहलाते हैं. जो ह्यूमन बींग्स हैं वो खुद भी एक क्या है, रिसोर्सेज है. क्योंकि वो भी क्या करते हैं, मतलब एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर रिसोर्स की बात करें तो क्या है, वो ह्यूमन है. क्योंकि वो क्या करता है कि बाकी के जो रिसोर्सेज हैं उनको क्या करता है कि यूज़ आने वाली जो फॉर्म में उसको लेके आता है, मतलब उसको वैल्यूएबल बना देता है, उसके अंदर वैल्यू एडिशन करके उसको हमारे यूज़ करने के लायक उसको बना देता है. तो इस तरीके से ह्यूमन क्या है, वो भी काफ़ी एक अच्छा यूज़फुल रिसोर्सेज है. तो देखिए, मेनली हम जो रिसोर्सेज हैं उनको कई टाइप में डिवाइड कर सकते हैं. अगर हम सबसे पहले बात करें उनके ओरिजिन के बेस पर कि वो बने कैसे हैं, उनके ओरिजिन के बेस पर हम उनको टू टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, एक है बायोटिक और दूसरा एबायोटिक. उसके बाद बात करते हैं एग्जॉस्टेबिलिटी, यानी उनके समाप्त होने पर और न समाप्त होने के उसमें, मतलब हम कितने टाइम तक वो जो है यहाँ पर रहेंगे, तो उसके बेस पर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में. ओनरशिप के बेस पर कि स्वामित्व किसका है उनके ऊपर, तो इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल. और इसके साथ साथ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट कैसा है उनका, कि वो डेवलप्ड हैं, ओवर डेवलप्ड हैं या अंडर डेवलप्ड हैं, तो उसके हिसाब पर उनको पोटेंशियल अनडेवलप्ड और इसके साथ साथ स्टॉक और रिजर्व्स के अंदर हम इनको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं. तो देखिए, यहाँ पर भी एक तरीके से आप इनका डिस्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं. रिसोर्सेज हमारे एक तो नेचुरल हो जाएंगे, दूसरे ह्यूमन वाले कौन से हो जाएंगे, जो ह्यूमन के द्वारा बनाए गए हैं, चाहे वो स्ट्रक्चर्स हैं, इंस्टीट्यूशन है, मतलब बिल्डिंग वगैरह, रोड वगैरह और बैंक, हॉस्पिटल्स, ये क्वांटिटी और क्वालिटी में भी जो भी रिसोर्सेज ह्यूमन के द्वारा बनाए गए हैं वो सारे के सारे इनके अंदर आते हैं. लेकिन नेचुरल कौन से होते हैं, जो नेचर से हमें मिले हैं, तो इसके अंदर हम डिवाइड करते हैं इसको रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल के अंदर. देखिए, रिन्यूएबल जो दोबारा से रिन्यू हो सकते हैं, जो बार बार जो है, मतलब इनका भंडार काफ़ी ज़्यादा असीमित मात्रा में है और अगर हम इनको अच्छे से यूज़ करें तो ये हमारे जो है काफ़ी लंबे टाइम तक हमारा जो है हमारी नीड्स को पूरा करने में यूज़ किए जा सकते हैं. जैसे इनको डिवाइड करेंगे हम टू टाइप्स में, तो सबसे पहले बात करते हैं कंटिन्यूअस के बारे में. कंटिन्यूअस और फ्लो, जो हमेशा कंटिन्यूअस लगातार कंटिन्यूटी में रहते हैं, जैसे कि विंड है, वाटर है. तो यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं आप विंड और वाटर का, क्योंकि ये कंटिन्यूस ही आपके पास है, ये फिनिश होने वाले नहीं हैं. और वाटर भी फिनिश हो सकता है, अगर आप उसका अच्छे से यूज़ नहीं करेंगे तो फिनिश तो हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपके पास एक तरीके से रिन्यू होता रहता है, यानी रेन के थ्रू ये दोबारा से आपके पास वापस आ जाता है. यानी आप इसको जो है अगर सही से यूज़ करेंगे तो ये जो है लगातार कई सालों तक जो है आप इसको यूज़ कर पाएंगे. बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल को भी टू टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है. एक हमारे नेचुरल वेजिटेशन आ जाएंगे, जिसके अंदर हमारे प्लांट्स, ट्रीज, जो फॉरेस्ट हैं वो आते हैं, और दूसरा हमारा आएंगे वाइल्ड लाइफ, यानी जितने भी हमारे एनिमल्स, बर्ड्स वगैरह हैं वो आएंगे. इसके साथ साथ नॉन रिन्यूएबल, जिनको हम दोबारा रिन्यू नहीं कर सकते, जिनको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन रिन्यूएबल. तो देखिए, इसके अंदर इसको भी टू टाइप्स में डिवाइड करेंगे हम, एक रिसाइकेबल होता है, एक नॉन रिसाइकेबल होता है. रिसाइकिल मतलब प्रोसेस के थ्रू दोबारा से यूज़ किया जा सकता है. मान लिया हमने जो है मेटल की कुछ चीज़ बनाई है, उसको हम क्या करेंगे, पिघलाकर दोबारा से उसको किसी और चीज़ को बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो ये मेटल्स हैं आ जाएंगे इसके अंदर. नॉन रिसाइकेबल मतलब ये एक बार यूज हो जाएंगे तो उसके बाद ख़त्म हो जाएंगे. जैसे कि आप बात करते हैं फॉसिल फ्यूल होते हैं हमारे, जैसे ऑयल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, आपने एक बार यूज़ कर लिए, ये फिनिश हो जाएंगे, आप दोबारा इनको रिसाइकिल नहीं कर सकते. लेकिन अगर आपने मेटल को यूज़ किया, आज अपने मेटल से बनी कोई चीज़ यूज़ की, तो उसको क्या किया जा सकता है, कल को आप उसको यूज़ नहीं करते, तो इसको इसकी फॉर्म को चेंज करके दूसरी अनदर थिंग इसकी बनाई जा सकती है. तो ये हो जाएंगे हमारे रिसाइकलेबल और नॉन रिसाइकलेबल. तो ये रिसोर्सेज के हमारे क्या थे, टाइप्स. अब हम थोड़ा डिटेल में इनके बारे में देखते हैं. तो देखिए, हमने बात की थी ओरिजिन के बेस पर, हमने टू टाइप्स में डिवाइड किया था, बायोटिक और अबायोटिक, मतलब जैविक और अजैविक. देखिए, जैविक नाम से ही पता लग रहा है आपको, जिनके अंदर जीवन होता है, जिनके अंदर लाइफ होती है. तो देखिए, जिनके अंदर मतलब ऐसी चीज़ें या ऐसे रिसोर्सेज जिनके अंदर जो है लाइफ होती है, जैसे ह्यूमन बींग, फ्लोरा मतलब प्लांट्स, फ्योना एनिमल्स, फिशरीज, लाइफ स्टॉक,
ये हमारे क्या कहलाते हैं, बायोटिक। उसके बाद आते हैं एबायोटिक। एबायोटिक के अंदर क्या होते हैं, जिनके अंदर लाइफ नहीं होती, ये क्या होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं, और इनके अंदर हमारे आते हैं रॉक्स, मेटल्स। तो ये इस तरीके से हमारे बायोटिक और एबायोटिक टू टाइप्स के रिसोर्सेज हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं अब जो स्टेबिलिटी के बेस पर, तो इसके अंदर हमारे सबसे पहले क्या आएंगे, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, यानी जिनको रिन्यू किया जा सकता है, रिप्रोड्यूस किया जा सकता है, यानी दोबारा से हम इनको प्राप्त कर सकते हैं बाय फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल चेंजेस। मतलब इनके द्वारा फिजिकल प्रोसेस हो, केमिकल हो, या मैकेनिकल प्रोसेसेस हो, इनके थ्रू हम इनको दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि सोलर, सन की एनर्जी कभी ख़त्म तो नहीं होगी, विंड की एनर्जी, इसके साथ साथ वाटर, वाटर भी से रिसाइकिल के द्वारा हमें वापस जो है मिल जाता है, प्रेसिपिटेशन के रूप में, बारिश के रूप में। इसके साथ साथ फॉरेस्ट, अगर आप काटते हैं दोबारा से लगाएंगे तो दोबारा आपको फॉरेस्ट मिल जाएंगे, वाइल्ड लाइफ भी इसी तरीके से। तो ये हमारे क्या आ जाएंगे, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। उसके बाद बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल के बारे में। तो नॉन रिन्यूएबल कौन से होते हैं, जिनको रिन्यू करना बहुत मुश्किल है, यानी इनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, लाखों लाखों साल लग जाते हैं इनको। तो इस तरीके से इनका जो जियोलॉजिकल टाइम होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे कि मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल, यानी जो ऑयल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, कोल है, ये सारे के सारे जो है बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो इस तरीके के रिसोर्सेज हमारे जो है क्या कहलाते हैं, नॉन रिन्यूएबल। जैसे कि मेटल है, ये रिसाइकलेबल है, इनको रिसाइकिल करके अलग तरीके से हम इनको यूज़ कर सकते हैं दूसरी फॉर्म में। सम लाइक फॉसिल फ्यूल जो है उनको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता, ये जो है जल्दी ही एग्जॉस्टिव हो जाएंगे तो ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद इनको जो है दोबारा से रिन्यू करना बहुत मुश्किल होता है। बात करते हैं ओनरशिप के बेस पे। ओनरशिप के बेस पे देखिए, इंडिविजुअल जिसके ऊपर जो है आपका स्वामित्व है, आपकी खुद की जो प्रॉपर्टी है उसको हम बोलेंगे। जैसे एक फार्मर जो है जिस पर एग्रीकल्चर करता है, वो उसकी लैंड है, तो वो उसका क्या है, ओनर है। तो इस तरीके से ये उसकी ओन्ड प्रॉपर्टी यानी इंडिविजुअल रिसोर्स कहलाएगा। एक होता है कम्युनिटी रिसोर्स, जिसके ऊपर आपका अकेले का अधिकार नहीं होता, इसके ऊपर जितने भी कम्युनिटी मेंबर होते हैं उन सब का अधिकार होता है। जैसे कि पूरा का पूरा विलेज है, वो क्या करता है, जो ग्रेजिंग ग्राउंड होता है वहाँ पर अपने पशु चरा सकते हैं, बुरियल ग्राउंड यहाँ पर जो है मुर्दे वगैरह दफनाए जा सकते हैं, विलेज पोंड इसका जो है पूरे के पूरे गाँव के लोग इसका यूज़ कर सकते हैं, पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट, प्लेग्राउंड। तो ये सब सिर्फ आपसे बिलोंग नहीं करते, ये जो है पूरी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, इसलिए इनको कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज बोला जाता है। नेशनल रिसोर्सेज, नेशनल मतलब जो एक नेशन से यानी एक राष्ट्र से, एक कंट्री से बिलोंग करते हैं, उनको हम बोलते हैं जो नेशनल रिसोर्सेज बोलते हैं। जैसे हमारे इंडिया के अंदर जितने रिसोर्सेज पाए जाते हैं, तो हमारे उसके ऊपर जो हमारी कंट्री का क्या है, स्वामित्व है, ओनरशिप है। तो देखिए इसके अंदर ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती, बल्कि जो है हमारी कंट्री जो है, हमारी कंट्री की गवर्नमेंट उसको पब्लिक गुड के लिए यूज़ करते हैं, मतलब पब्लिक के भलाई के लिए उसको यूज़ करती है। जैसे कि रोड्स वगैरह, कैनाल वगैरह, रेलवे, ये गवर्नमेंट के द्वारा जो है ओन किए जाते हैं और आप इनका जो है यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ कुछ और मिनरल्स हैं, वाटर रिसोर्सेज हैं, फॉरेस्ट हैं, वाइल्ड लाइफ और लैंड, जो कि गवर्नमेंट के जो है अधिकार के अंदर होती है और वो जो है पब्लिक की भलाई के लिए उसको यूज़ करती है। इसी के साथ साथ अगर हम ओशन की बात करें, जो ओशन एरिया है यानी सी का जो एरिया है, अगर 12 नॉटिकल माइल की बात करें, अगर ये हमारा जो है लैंड है और इसके बाद ये सी है, अगर इसके अंदर हम 12 नॉटिकल माइल यानी 12 नॉटिकल माइल तक अगर हम काउंट करें, तो इसके अंदर का जो वाटर है यानी ये हमारा अगर इंडिया की लैंड है, तो इसके अंदर का जो वाटर, इसके नीचे जितने भी रिसोर्सेज आपको मिलेंगे, चाहे वो फिशरीज हैं या फिर दूसरे रिसोर्सेज आपको मिलते हैं, तो ये भी नेशनल रिसोर्स कहलाएंगे। आप इनको यूज़ कर सकते हैं, कोई और कंट्री इनको यूज़ नहीं कर सकता, सिर्फ आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद तो क्या कहलाएंगे, नेशनल रिसोर्सेज। तो उसके बाद जो है इंटरनेशनल रिसोर्स क्या होते हैं, देखिए इनके ऊपर जो है पूरे पूरे इंटरनेशनल यानी पूरे वर्ल्ड का जो है अधिकार होता है। यानी अगर बात की जाए इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशन होती हैं, तो इनकी कंकरेंस से, इनकी सहमति से क्या किया जा सकता है, जो बाकी के रिसोर्सेज जितने भी प्रेजेंट हैं उनके ऊपर इनका अधिकार है और उनको वो यूज़ कर सकते हैं। अगर बात करें ये कहाँ तक होता है, अब देखिए मान लिया ये जो लैंड है ये हमने 12 नॉटिकल माइल तक तो काउंट किया, लेकिन अगर हम इसको बढ़ाकर 200 नॉटिकल माइल तक कर दें, यहाँ तक 200 नॉटिकल माइल, तो इस एरिया को छोड़ के, ये जो पीछे वाला एरिया, इसको छोड़ के आगे का जितना भी ओशियन के अंदर, जितना भी डीप सी के अंदर वो जो भी रिसोर्सेज उनको मिलेंगे, तो पूरे की पूरी इंटरनेशनल यानी पूरे के पूरे वर्ल्ड में से कोई भी कंट्री जो है उसको यूज़ कर सकती है। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है
यानी इंस्टीट्यूशन है, उनकी कंकरेंस लेनी पड़ेगी। अब ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन क्या होती है, देखिए बहुत सारी कंट्री क्या करती हैं, वो आपस में मिलके एक जो है कन्वेंशन और एक एग्रीमेंट बना लेती है, एक इंस्टीट्यूशन बना लेती हैं। जैसे आपने यूनाइटेड नेशन का नाम सुना होगा, यूएन का नाम सुना होगा। अब देखिए इस यूएन के अंदर क्या होता है, इस ये जो है यूएन के अंदर जो है काफ़ी सारी जो कंट्रीज़ की जो गवर्नमेंट हैं वो क्या करती हैं, वो एक तरीके का एग्रीमेंट पास करती हैं। उस एग्रीमेंट के अंदर क्या होता है कि ये डिसाइड किया हुआ है कि जो ये 12 नॉटिकल माइल यानी यहाँ लैंड से लेकर यहाँ तक का जो 200 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया है उसको छोड़कर आगे के सी के अंदर अगर जो है कोई भी रिसोर्सेज वगैरह खोजना वहाँ पर चाहता है या वहाँ के रिसोर्सेज का यूज़ करना चाहता है तो इस यूएन बॉडी से जो है उसको क्या करना पड़ेगा, एक कंकरेंस लेनी पड़ेगी, उनसे सभी मेंबर की सहमति लेनी पड़ेगी। जब वो मेंबर उसको सहमति देंगे तभी वो इस वाटर को यूज़ कर सकते हैं यानी यहाँ के रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। अब ये यूएन बॉडी सिर्फ मैंने एग्जाम्पल लिया है, इसकी जगह कोई और दूसरी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन भी हो सकती हैं। तो ये हमारा क्या था, ये हमारे इंटरनेशनल रिसोर्सेज के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी। अब हम बात करते हैं स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेस पर जो हमारे मिनरल्स यानी हमारे रिसोर्सेज हैं वो कितने पार्ट्स में डिवाइड किए जा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। देखिए पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि उनके अंदर मतलब हमारे पास जो है रिसोर्सेज तो हैं, मतलब पोटेंशियल है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं उनको यूटिलाइज नहीं किया, हम उनको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं, अब देखिए राजस्थान और गुजरात का जो एरिया है, वेस्टर्न एरिया मतलब ये इधर वाला एरिया, वहाँ पर क्या है काफ़ी ज़्यादा मतलब पोटेंशियल है कि वहाँ पर क्या किया जा सकता है, विंड और सोलर एनर्जी का काफ़ी अच्छे से यूज़ किया जा सकता है, लेकिन कुछ रीज़न की वजह से हम क्या कर पा रहे हैं उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। मतलब वहाँ पर सिर्फ एक पोटेंशियल तो है, संभाव्य है, मतलब एक संभावना है कि अगर हम वहाँ पर विंड वगैरह विंड एनर्जी डेवलप करेंगे या सोलर एनर्जी डेवलप करेंगे तो वहाँ पर जो है हमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जो है वहाँ से मिल सकती है, मतलब वहाँ पर पावर का, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो सकता है, लेकिन कुछ चीज़ों कुछ कारणों की वजह से हम उसको पूरा का पूरा यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि डेजर्ट एरिया के अंदर है तो वहाँ पर सोलर सेल लगाना काफ़ी एक चैलेंजिंग काम है, तो इसी तरीके से वहाँ पर जो है जो विंड मिल्स होती हैं उनको लगाना भी काफ़ी चैलेंजिंग काम है डेजर्ट एरिया के अंदर, तो इस तरीके से हम क्या उसको यूज़ नहीं कर पा रहे। तो एक तरीके का क्या पोटेंशियल है, अभी उसको हमने यूज़ नहीं किया है, बस हम जानते हैं कि उसको यूज़ कर सकते हैं, तो हमारा क्या है पोटेंशियल रिसोर्सेज। उसके बाद डेवलप्ड, डेवलप्ड रिसोर्सेज कौन से होते हैं, देखिए ये वो होते हैं जिनके बारे में आपको पूरा अच्छे से पता है और जिनको आप अच्छे से यूटिलाइज़ भी करते हैं, मतलब आपने सर्वे किया हुआ है और आप उनकी क्वालिटी क्वांटिटी सब कुछ जानते हो कि कितनी क्वांटिटी के अंदर ये रिसोर्सेज हैं और कितनी अच्छी क्वालिटी उनकी है और इसको आप जो है यूटिलाइज़ भी कर सकते हो, तो ये क्या है हमारे डेवलप्ड रिसोर्सेज हैं। उसके बाद बात करते हैं हम स्टॉक के बारे में। देखिए स्टॉक हमारे क्या है एक तरीके के, ये भी हमारे क्या है एक पोटेंशियल है, मतलब जैसे पोटेंशियल रिसोर्स होते हैं ना वैसे ही हैं, जैसे ये हैं पोटेंशियल, लेकिन अभी क्या हुआ है कि इनके बारे में जो स्टॉक्स है ना इनको यूज़ करने के लिए अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, मतलब हमारे पास क्या है टेक्नोलॉजी की कमी है, टेक्नोलॉजी की कमी। देखिए यहाँ पर टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है हमारे पास, हमारे हमें पता है कि विंड एनर्जी हमें कैसे जनरेट करनी है, सोलर एनर्जी हमें कैसे जनरेट करनी है, ये हमारे पोटेंशियल रिसोर्सेज होंगे क्योंकि हमें यहाँ पर टेक्नोलॉजी का तो पता है लेकिन हम उनको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, दूसरे कारणों की वजह से। लेकिन यहाँ पर स्टॉक के अंदर क्या है कि हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमें पता है कि इन रिसोर्सेज से हमारी ह्यूमन नीड्स जो है वो पूरी हो सकती हैं, लेकिन हम जो है टेक्नोलॉजी की वजह से उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे स्टॉक्स हो जाएंगे। जैसे कि हम बात करते हैं, जैसे हमें पता है कि हमारे पास वाटर जो है वो काफ़ी मात्रा में हमारे यहाँ पर जो है रिवर्स जो है मिलती हैं, तो इस वजह से उनके अंदर वाटर की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन और वाटर से हमें पता है कि दो वाटर जो है दो गैसों से मिलकर बना है, एक हमारा हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, अगर हम चाहें तो हाइड्रोजन से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन से हम एनर्जी प्रोड्यूस कैसे करें इसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, नो हाउ मतलब टेक्निकल जो स्किल हमें चाहिए होती वो अभी हमारे पास नहीं है, जिसकी वजह से हम इसका रिसोर्स का यूज़ नहीं कर सकते, तो ये हमारे स्टॉक। उसके बाद बात करते हैं रिजर्व के बारे में। देखिए रिजर्व वो होते हैं जिनका हमें पता है
कि कैसे, मतलब हमारे पास हैं जिनको हमने रिजर्व किया हुआ है, किसी भी अनएक्सपेक्टेड कोई चीज़ हैपन हो जाती है, फ्यूचर में कोई ऐसी घटना हो जाती है जिसके जिसके लिए जो है हमें इन रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ सकती है, तो उस टाइम पे हम इनका रिसोर्स का यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने जो है अपने यहाँ पर, हमें पता है कि हमारे यहाँ पर जो है कोल और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के रिसोर्सेज बहुत बहुत ही कम है, तो उसकी वजह से क्या किया हमने जो है जगह जगह पर रिजर्व बनाए हैं जहाँ पर हम क्या कर सके, हमारे जो ऑयल दूसरी कंट्री से ऑयल को इम्पोर्ट करके और वहाँ पर रिजर्व के रूप में रख सकें, क्योंकि कल को अगर मान लिया कोई जो है इंटरनेशनल कोई भी इश्यू हो जाता है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जिसकी वजह से हम क्या कर सक क्या हो जाएगी, हमें जो है ऑयल मिलना जो है बंद हो जाए, यानी हम दूसरी कंट्रीज से जो है ऑयल को इम्पोर्ट ना कर पाएँ, तब क्या होगा, उस ऐसी कंडीशन में बिना ऑयल के हमारा काम कैसे चलेगा, हमारा ट्रांसपोर्ट यानी जो व्हीकल हैं कार बस वगैरह ये कैसे चलेंगे और बाकी के काम कैसे होंगे। तो उस टाइम पर हम क्या कर सकते हैं, जो हमने ये रिज़र्व जो हमने बनाए हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। तो ये रिज़र्व हमने क्यों बनाए हैं, ताकि फ्यूचर की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। उसके बाद बात करते हैं हम डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, यानी रिसोर्सेज की डेवलपमेंट क्यों जरूरी है, क्यों करना चाहिए, उनकी डेवलपमेंट में क्या क्या कमियाँ आती है, क्यों उनकी डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है। देखिए रिसोर्सेज जो आपको पता है कि ये ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना रिसोर्सेज के जो हमारा वाटर है, लैंड है, ये सब भी तो रिसोर्सेज हैं, बिना रिसोर्सेज का यूज़ किए हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, हम जीवित ही नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए जो है इनकी ज़रूरत है हमें, क्यों, ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए। इसके साथ साथ ये हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमारी लाइफ को भी जो है काफ़ी अच्छा, मतलब एक तरीके से बनाते हैं, क्वालिटेटिव बनाते हैं। और इसके साथ साथ ये फ्री नेचर, मतलब ये फ्री गिफ्ट है नेचर के, यानी नेचर ने हमें फ्री गिफ्ट की तरह दिए हुए हैं। अब प्रॉब्लम क्या है इनके साथ, देखिए मेजर प्रॉब्लम ये है कि रिसोर्स जो है वो डिप्लीट होते जा रहे हैं, यानी कम होते जा रहे हैं, ये जो है कुछ एक हाथों में, यानी कुछ एक व्यक्ति हैं जो आपने देखा होगा काफ़ी सारे रिच पर्सन जो हैं उनके हाथ में काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ एक बिल्कुल पुअर हैं जिनके पास आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इस तरीके से सोसाइटी जो हमारी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक हैव्स और एक हैव नोट्स, मतलब रिच और पुअर। हैव होते हैं जिनके पास बहुत कुछ हैव नोट्स जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से जिनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं वो रिच हो जाते हैं, जिनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है वो पुअर हो जाते हैं। इसके साथ साथ इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लोइटेशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में, जितनी आपको ज़रूरत भी नहीं होती, नीड से भी कहीं ज़्यादा आप क्या कर लेते हो, उनको एक्सप्लोइट कर लेते हो, उनको निकाल लेते हो। तो उसकी वजह से क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा एनवायरनमेंट के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, कैसी, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है, एनवायरनमेंट के अंदर पोल्यूशन बढ़ रहा है, इसके साथ साथ लैंड डिग्रेड हो रही है हमारी। तो इसके लिए क्या जरूरी है कि हमें जो रिसोर्सेज की प्लानिंग करके उसका जो उसकी जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है, देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारी ये होती है कि जब हम रिसोर्सेज को डेवलप करें, यानी रिसोर्सेज को डेवलप करें और साथ ही साथ उनका यूज़ करें विदाउट हार्मिंग, यानी विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, कि हमारा एनवायरनमेंट डैमेज ना हो, हमारे एनवायरनमेंट को कोई खतरा ना हो। इसके साथ साथ जो है हमारी जो फ्यूचर की जो जनरेशन है, हम क्या करें कि उसके लिए भी हमारे पास रिसोर्सेज बचें, हम ये नहीं है कि फ्यूचर की जनरेशन के लिए रिसोर्सेज को ख़त्म कर दें, तो फ्यूचर की जनरेशन के लिए भी हम जो है रिसोर्सेज बचा कर रखें। तो ये क्या कहलाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है, मतलब रिसोर्सेज की इस तरीके से डेवलपमेंट और यूज़ करना कि हमारा एनवायरनमेंट भी सुरक्षित रहे और इसके साथ साथ हमारी फ्यूचर आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए भी हम रिसोर्सेज को बचा कर रखें। तो ये क्या कहलाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ही और रिसोर्सेज को इस तरीके से मिसयूज होने से बचाने के लिए और एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए और इकोनॉमिक अच्छे से इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको ठीक करने के लिए हम क्या किया है, रियो डी जिनेरियो, ये कि ब्राज़ील के अंदर एक सिटी है, वहाँ पर अर्थ समिट हुई। अर्थ समिट क्यों, अर्थ को बचाने के लिए 1992 में, क्योंकि इस तरीके से रिसोर्स का डिप्लीशन होगा तो क्या होगा, ये सारी प्रॉब्लम होंगी, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगी, तो उसकी वजह से हमारी अर्थ जो है वो डेंजर में आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अर्थ समिट जो है वो 1992 में की, इसके अंदर 100 से भी ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं उनके हेड जो है रियो डी जनेरियो के अंदर, ब्राज़ील के अंदर वो मिले और उन्होंने इस तरीके की इंटरनेशनल समिट की। और इस इंटरनेशनल समिट में क्या हुआ,
इन्होंने जो इस कन्वेंशन के अंदर फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स को अपनाया, इसके साथ साथ जो एजेंडा 21 को अपनाया। अब एजेंडा 21 क्या होता है? देखिए, एजेंडा 21 जो है इसका 21st सेंचुरी के नाम पर पड़ा है, कि यानी हम 21st सेंचुरी के अंदर ऐसी चीज़ें करेंगे जिससे जो है हमारा जो एनवायरनमेंट है और जो हमारे रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज को हम सस्टेनेबली यूज़ कर पाएँ, जिससे जो है रिसोर्सेज की सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, यानी हम अपने फ्यूचर के लिए भी बचा कर रखें और साथ साथ हम अपने एनवायरनमेंट को भी सुरक्षित रखें। तो देखिए, एजेंडा 21 बताया है, एजेंडा 21 भी इसी के अंदर जो 1992 में जो ये अर्थ समिट हुई थी रियो डी जिनेरियो के अंदर ब्राज़ील के अंदर, उसी के अंदर जो है ये कन्वेंशन अपनाई गई थी। और इसके अंदर जो है क्या बोला गया था कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का के गोल जो है वो अचीव किए जाएंगे, ताकि हम एनवायरनमेंट को डैमेज होने से बचा सकें, साथ साथ जो है वो हमारी जो पावर्टी है उसको ख़त्म कर सकें, जो डिजीज़ हैं उनको भी हम कंट्रोल कर सकें। और एजेंडा 21 के अंदर हर एक कंट्री जो है अपने एजेंडा डिसाइड करेगी, और वो जो है उनको जो टाइम पीरियड डिसाइड किया गया उसके अंदर पूरा करने की कोशिश करेगी। यानी टाइम पीरियड कितना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करने का, ये है 2015 से लेकर 2030। मतलब इन 15 ईयर्स के अंदर हमने क्या करना है, अपने गोल्स डिसाइड करने हैं और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उनको अचीव करने में अपना कंट्रीब्यूशन देना है। तो ये हर एक कंट्री के द्वारा क्या किए जाएंगे, डिसाइड किए जाएंगे। अब हम बात करते हैं रिसोर्स प्लानिंग की। देखिए, रिसोर्स प्लानिंग बहुत ज़रूरी है ताकि हम रिसोर्सेज का अच्छे से जुडिशियस रूप से यूज़ कर पाए। तो देखिए, इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज मिलते हैं, लेकिन कुछ एक रिसोर्सेज की कमी भी है। अगर हम बात करें झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बारे में, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स और कोल डिपॉजिट मिलते हैं, आयरन, मैग्नीज, बॉक्साइट और इसके साथ साथ कोल, टीन, तो ये इस तरीके के जो मिनरल्स होती हैं वो यहाँ पर मिलते हैं। अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश के बारे में, तो यहाँ पर जो है आपने देखा होगा ब्रह्मपुत्र रिवर फॉलो करती है, लोहित, दिबांग, दिहांग रिवर, ये यहाँ से फॉलो करती हैं, तो इस वजह से यहाँ पर वाटर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलता है। लेकिन यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि माउंटेन वाला रीज़न है। माउंटेन वाले रीज़न के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड वगैरह, बिल्डिंग्स वगैरह, ये यहाँ पर नहीं बन सकते। तो ये माउंटेन्स के अंदर बनना जो है काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। उसके बाद बात करें जैसे राजस्थान के अंदर, तो देखिए राजस्थान के अंदर जो है सोलर और विंड एनर्जी के काफ़ी अच्छे मतलब पोटेंशियल है, कि वहाँ पर जो है सोलर यानी बहुत ज़्यादा जो है हीट होती है, तो इस वजह से और हवाएं भी बहुत चलती है, तो इस एनर्जी का वहाँ पर क्या किया जा सकता है, अच्छे से यूज़ किया जा सकता है। लेकिन वहाँ पर क्या है, वाटर की कमी है। उसके बाद बात करें लद्दाख की, तो लद्दाख में देखिए वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिच कल्चरल हेरिटेज है। वहाँ पर आपने देखा होगा कि वहाँ के लोग क्या करते हैं, शिप पालते हैं, ठीक है, एक स्पेशल टाइप की शिप होती है जिससे क्या मिलती है उनको, पश्मीना ऊन मिलती है और वूल मिलती है, जिससे जो है पश्मीना शॉल बनाई जाती है, शॉल बनाई जाती है जो काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है। तो ये देखिए इनकी काफ़ी ज़्यादा रिच जो है वो कल्चरल हेरिटेज है, लेकिन यहाँ पर वाटर और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो देखिए इस तरीके से कुछ एक एरिया जो है किसी चीज़ में जो है ज़्यादा रिच है, और जबकि दूसरी चीज़ की जो है वहाँ पर कमी होती है। तो इसलिए रिसोर्स प्लानिंग की तो ज़रूरत होगी, ताकि सभी एरिया के अंदर वो चीज़ पहुँच पाए। लद्दाख वाले एरिया के अंदर, राजस्थान के अंदर हम वाटर को पहुँचा पाएँ, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, हमें रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी। इसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश में अगर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, तो उसके लिए भी हमें रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये देखिए, रिसोर्स प्लानिंग जो है वो नेशनल, स्टेट, रीजनल और लोकल, इन सभी लेवल पर ज़रूरत है। छोटे से बड़े लेवल पर, हर एक लेवल पर हमें जो है रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत है। अब देखिए, रिसोर्स प्लानिंग कैसे की जाए, इंडिया के अंदर जो है रिसोर्स प्लानिंग कैसे की जाएगी, देखिए इसके लिए क्या प्रोसेस है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। क्या आइडेंटिफाई करेंगे, कि हमारे पास जो है रिसोर्सेज कितने हैं, ठीक है, तो वो कहाँ कहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे, उनकी सर्वे करेंगे, उनकी मैपिंग करेंगे, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, कितनी मात्रा में है, उनकी क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, ये सब चीज़ें हम मेज़र करेंगे। तो ये सबसे पहला जो है फंक्शन है, कि सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे। उसके बाद करेंगे हम इवॉल्विंग प्लानिंग स्ट्रक्चर, हम प्लानिंग बना के देखेंगे कि हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, मतलब हम कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, किस स्किल का यूज़ होगा, कौन कौन से जो है इंस्टीट्यूशनल सेटअप की जाएंगी, ताकि हम क्या कर सकें, इन रिसोर्सेज को जो है यूज़ कर सकें। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या चाहिएगी, टेक्नोलॉजी, स्किल और इंस्टीट्यूशन। तो दूसरे नंबर पर क्या होगा, प्लानिंग, प्लानिंग का स्ट्रक्चर,
उसके बाद मैचिंग करेंगे। तीसरे नंबर पे क्या होगा, मैचिंग। किस चीज़ की मैचिंग, यानी जो हम रिसोर्स की डेवलपमेंट कर रहे हैं उसके द्वारा क्या हमारे नेशन के जो प्लान है वो मैच कर रहे हैं कि नहीं मैच कर रहे हैं। यानी आप रिसोर्स की डेवलपमेंट का तो आपने जो प्लान बनाया है उसको मैच करेंगे हमारे नेशन की डेवलपमेंट से, कि उससे हमारे नेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, बुरा इफेक्ट पड़ेगा, हमारे नेशन की डेवलपमेंट होगी कि नहीं होगी। तो इस तरीके से ये तीन प्रोसेस इसके अंदर इन्वॉल्व है। आगे बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए रिसोर्सेज की कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप सारे के सारे रिसोर्सेज अभी ख़त्म कर देंगे तो अपने आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो गांधी जी के वर्ड्स थे, उन्होंने क्या बोला था कि देयर इज़ एनफ फॉर एवरीबडी नीड, नॉट फॉर एनीबडी ग्रीड। देखिए किसी के लालच के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन हर एक की ज़रूरत को पूरा करने के लिए यहाँ सब कुछ है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप ज़रूरत के हिसाब से रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर जो है सबकी ज़रूरत पूरी हो जाएंगी, लेकिन अगर आप लालच के लिए यानी ग्रीड के साथ अगर यूज़ करेंगे तो किसी एक इंसान की भी ग्रीड पूरी नहीं होगी। तो देखिए इसके साथ साथ एक इंटरनेशनल लेवल पर भी बात की गई थी। किस पे बात की गई थी, देखिए क्लब ऑफ रोम एडवोकेटेड रिसोर्स कंजर्वेशन। जो क्लब ऑफ रोम है उसने भी बात की थी कि रिसोर्सेज को क्या किया जाए, कि उनकी क्या की जाए, कंजर्वेशन की जाए, मतलब उनको संरक्षित किया जाए, उनको बचाया जाए। किस कब, 1968 में, गांधी जी के बाद। तो गांधी जी के बाद जो रोम क्लब ऑफ रोम है उसने बात की थी कि हमें जो है रिसोर्स को बचाना चाहिए। तो एक बार फिर 1977 में भी, 1974 में, 1974 के अंदर भी बात की गई गांधीयन फिलोसफी के बारे में। अब देखिए कैसे बात की गई, जो स्कूमाचर हैं उन्होंने अपनी बुक स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल एक बुक थी उनकी, उनके अंदर इसकी बात की गई थी सेम, कि हमें रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करना चाहिए। उसके बाद ब्रूटलैंड जो कमीशन है, कमीशन की रिपोर्ट आई थी 1987, उसके अंदर जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई तो उसका मतलब भी यही है कि हमने रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में बात की है। और उन्होंने एक बुक जिसका टाइटल था अवर कॉमन फ्यूचर, हम सब का क्या है कॉमन फ्यूचर, उसके अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की है। तो इस तरीके से देखिए रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए कहाँ कहाँ पर देखिए किस तरीके से यूज़ किया। सबसे पहले देखिए गांधी जी ने अपने, उन्होंने एक लाइन बोली थी उसके अंदर बोला। उसके बाद देखिए क्लब ऑफ रोम ने इसके बारे में बात की। उसके बाद जो स्कूमाचर जो है उन्होंने अपनी बुक के अंदर इसके बारे में बात की है। और बाद में जो है ब्रूटलैंड जो कमीशन है उसने अपनी रिपोर्ट के अंदर जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की है। तो ये हमारा जो है रिसोर्स प्लानिंग से रिलेटेड जो है कुछ डिस्कशन था। अब हम बात करते हैं हमारे लैंड रिसोर्सेज के बारे में। तो देखिए हमारे जो लैंड रिसोर्सेज हैं उसके अंदर देखिए क्या क्या आते हैं। तो हमारे लैंड के ऊपर हमने पहले भी डिस्कस किया है क्या क्या चीज़ हैं, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, आइलैंड। तो देखिए इन सब का जो है अलग अलग सिग्निफिकेंस है। माउंटेन हमारे किस लिए यूज़ होते हैं, देखिए यहाँ पर हमारी रिवर्स मिलती हैं, तो यहाँ पर देखिए वाटर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपको मिलेगा, तो एक तरीके से वाटर के स्टोर हाउस हैं। तो उसके साथ साथ देखिए प्लेट्यूज के अंदर आपको मिनरल्स मिलेंगे, फॉसिल फ्यूल मिलेंगे, तो ये भी हमारे लिए काफ़ी यूज़ होते हैं। प्लेन्स के अंदर देखिए काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल जो है लैंड मिलती है, और ये एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। तो इसी तरीके से जो हमारे आइलैंड भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं। तो देखिए हमारी लैंड का लगभग 43% वो क्या है, प्लेन एरिया है। माउंटेन की बात करें तो ये 30% है, और प्लेट्यू की बात करें तो ये 27% है। तो देखिए इसको भी आप याद कर लीजिए, क्योंकि कई बार आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इंडिया का जो लैंड है उसके ऊपर सबसे मोस्टली कौन सा पार्ट कवर करता है, माउंटेन करते हैं, लैंड प्लेन एरिया करता है, या प्लेट्यू करते हैं, या आइलैंड करते हैं। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आप इसको जो है एक तरीके से ऑप्शनल के रूप में ले सकते हैं, या फिर आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा जा सकता है कि कौन सा जो है इनमें से ज़्यादा एरिया कवर करता है और कौन सा कम कवर करता है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखें कि प्लेन एरिया सबसे ज़्यादा है, उसके बाद माउंटेन है, और थर्ड नंबर पर हमारे क्या है, प्लेट्यूज़ हैं। अब देखिए इंडिया के अंदर जो लैंड है उसका यूज़ किस किस पर्पज़ के लिए किया जाता है, यानी इंडिया के अंदर जितनी भी लैंड है उसका क्या यूज़ है, क्या यूज़ करते हैं। तो देखिए सबसे पहले फॉरेस्ट, कुछ एक लैंड पर आपको फॉरेस्ट में मिलेंगे, फॉरेस्ट के काम भी आती है जहाँ पर फॉरेस्ट उगते हैं। इसके साथ साथ ऐसी लैंड जो कल्टीवेशन के लिए यूज़ नहीं की जा सकती, मतलब ऐसी लैंड जो कल्टीवेशन के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते, वो कौन सी लैंड है, बारेन लैंड, वेस्ट लैंड, मतलब जिस पर एग्रीकल्चर हो ही नहीं सकती, यानी वो बंजर भूमि है। इसके साथ साथ लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेज, जैसे जिस पर बिल्डिंग बने हैं, रोड बने हैं, फैक्ट्रीज बनी हैं, तो ऐसी लैंड जिसको हम इन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं और ये कल्टीवेशन के लिए यूज़ नहीं होती। और
दूसरी अनकल्टीवेटेड लैंड कौन सी होती है जिसको हम जो है जिसको उसको भी हम कल्टीवेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते, वो कौन सी है? परमानेंट पॉस्चर्स ऑफ ग्रेजिंग लैंड, यानी जिसके अंदर जो आप ग्रेजिंग करते हो, यानी कि आप एनिमल्स के लिए जो है वहाँ पर ग्रेजिंग जो है उस ग्रेजिंग के लिए उसको एनिमल्स के लिए यूज़ करते हो, तो वहाँ पर आप क्या नहीं करोगे, वहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं करोगे। इसके साथ साथ देखिए, लैंड अंडर मिसलिनियस ट्री क्रॉप्स, दूसरी जो क्रॉप्स वगैरह उग जाती हैं जो मतलब जिसको आप अपने आप से नहीं उगाते, मतलब जिनको ह्यूमन नहीं उगाता वो अपने आप से उग जाती है, नॉट इंक्लूडेड इन नेट शोन एरिया। नेट शोन एरिया मतलब जो ह्यूमन उगाता है उसको बोलते हैं नेट शोन एरिया, लेकिन ये जो है अपने आप से कुछ क्रॉप्स उग जाती हैं उनके बारे में है। उसके बाद कल्चरेबल वेस्ट लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर 5 एग्रीकल्चर ईयर, मतलब कुछ ऐसी लैंड जिनको जो है आप क्या नहीं कर सकते, मतलब अच्छे से एग्रीकल्चर के लिए उसको यूज़ नहीं कर सकते, आपको उसको क्या करना पड़ता है, 5 या 6 साल के लिए उसको छोड़ना पड़ता है ताकि उसके अंदर जो है फर्टिलिटी वापस लौट आए और तब आप उसको एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर पाए। उसके बाद आती है फैलो लैंड। फैलो लैंड के अंदर क्या क्या आएगा, देखिए, एक तो होती है करंट फैलो। करंट फैलो क्या होती है, जिसको आप क्या करते हो, लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन, मतलब बिना कल्टीवेशन को उसको 1 और less than 1 एग्रीकल्चर ईयर के लिए छोड़ देते हो, मतलब आपने 1 साल उस पर एग्रीकल्चर की, फिर से आपने 1 साल के लिए छोड़ दिया, अगले साल फिर से की और अगले साल फिर छोड़ दिया, इस तरीके से आप उसको यूज़ करते हो। इसके साथ दूसरी जो करंट फ्लो से अलग जो दूसरी लैंड है वो क्या है, इसको कम से कम 1 to 5 ईयर्स के लिए आप बिना कल्टीवेशन के छोड़ देते हो, 1 से 5 साल के लिए बिना कल्टीवेशन के अगर छोड़ देते हो तो वो हमारी क्या कहलाती है, फैलो लैंड। अब नेट शोन एरिया क्या होता है, देखिए, एरिया शोन मोर देन वंस, यानी जो एरिया हमारा 1 से ज़्यादा बार उगाया जाता है और उसके साथ अगर जोड़ दें हम नेट शोन एरिया तो वो हमारा क्या कहलाता है, ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। देखिए, ग्रोस क्रॉप्ड एरिया जिसके ऊपर पूरे के ऊपर क्या उगाई जाती हैं, क्रॉप्स उगाई जाती हैं, तो ग्रोस क्रॉप्ड एरिया क्या कहलाता है हमारा, अगर हम ऐड कर दें नेट शोन एरिया को। नेट शोन एरिया क्या होता है, देखिए, नेट शोन एरिया होता है जिसके आप जो है कम से कम एक फसल उगाते हो, कम से कम आपने क्या किया उस पर, एक जो है फसल उगा दी, एक क्रॉप उगा दी, उसके बाद दूसरी क्रॉप डिपेंड करता है, अगर रेन हुई तो आपने दूसरी क्रॉप उगा दी, अगर नहीं हुई तो नहीं उगाई, तो ये आ जाएगा। और दूसरा क्या है, एक ऐसी लैंड जिसको आप 1 से ज़्यादा बार उगाते हो, यानी दूसरी एरिया शोन मोर देन वंस, यानी 1 बार से ज़्यादा बार आप उसको क्या करते हो, उगाते हो, तो वो क्या कहलाता है हमारा, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो हमारा ग्रोस क्रॉप्ड एरिया, जिसके अंदर आप पूरी की पूरी फसल उगाते हो तो हमारा ग्रोस क्रॉप्ड एरिया कहलाता है। तो इस तरीके से लैंड हमारी जो है फॉरेस्ट के लिए यूज़ होती है, इसके साथ साथ कल्टिवेशन के लिए यूज़ होती है और एग्रीकल्चर के लिए भी यूज़ होती है। कुछ एक लैंड को हम जो है बिल्डिंग वगैरह, रोड ऑफ फॉरेस्ट्री वगैरह और इसके साथ साथ माइनिंग वगैरह करके हम क्या कर देते हैं, उसको पूरी लैंड को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, देखिए, ये प्लेन एरिया आपको दिखाई दे रही है सबसे ज़्यादा इनकी है, उसके बाद माउंटेन एरिया, और ये माउंटेन एरिया, उसके साथ साथ ये प्लेट्यूज एरिया, ये आप देख सकते हैं ये माउंटेन है और ये प्लेन्स एरिया। तो ये जो है यहाँ पर आपको पता लग रहा होगा कि किसकी जो है मात्रा जो यहाँ पर ज़्यादा है, किसका जो परसेंटेज ज़्यादा है। देखिए, प्लेन एरिया के अंदर हम क्या करते हैं, प्लेन एरिया किस लिए यूज़ होते हैं, ये एग्रीकल्चर के लिए और इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। प्लेट्यूज़ के अंदर देखिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपको मिनरल्स मिलेंगे, फॉसिल फ्यूल मिलेंगे और फॉरेस्ट भी मिलेंगे। माउंटेन्स के अंदर आपको रिवर्स मिलेंगे और इसके साथ साथ ये टूरिज्म का भी काफ़ी अच्छा सोर्स है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कितने जो है, यहाँ पर देखिए नेट शोन एरिया, देखिए ये चेंजेस है, ये 1960 का और 1961 का आपको दिखाया है, 1415 का आपको दिखाया है, देखिए इस तरीके से ये नेट शोन एरिया आपको दिखाई दे रहा है। आगे देखिए आप करंट फैलो देख सकते हैं, करंट फैलो जिसको 1 साल तक आपको लगभग खाली छोड़ना पड़ता है, तो उसकी परसेंटेज आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए अदर फैलो अदर देन करंट फॉलो, मतलब जिसको 1 से 5 साल के लिए आपको क्या करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, वो ये वाली आप लैंड दे सकते हैं। कल्चरेबल वेस्ट लैंड आप देख सकते हैं, जो कल्चरल वगैरह के लिए पर्पजेज से यूज़ की जा सकती है जाती है। इसके साथ साथ जो अदर ट्री क्रॉप्स हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और ये परमानेंट पास्चर्स के रूप में जो यूज़ की जाती हैं ग्रेजिंग वगैरह के लिए जो यूज़ की जाती हैं, ये वाला एरिया आप देख सकते हैं। नॉन एग्रीकल्चर यूजेज़ यानी बिल्डिंग्स वगैरह डेवलप करने के लिए जो किया जाता है, ये बैरन लैंड है, आप देख रहे हैं ये बैरन, जो बिल्कुल ही बंजर है, जिसको किसी भी यूज़ की नहीं है, और यहाँ पर ये फॉरेस्ट लैंड आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से इनका जो है परसेंटेज वो पूरी लैंड का डिवाइड किया गया है इंडिया के अंदर, इस तरीके से जो लैंड का यूज़ किया जाता है।
अब हम बात करते हैं इंडिया के अंदर जो लैंड यूज़ का पैटर्न क्या है। देखिए इंडिया का एरिया जो है लगभग, मैंने आपको बताया था लैंड एरिया जो है वो 3.28 मिलियन यानी 32 लाख के करीब है, और इसका जो 93% है सिर्फ उसके पास, उसका ही हमारे पास डाटा अवेलेबल है, बाकी का नहीं है। क्योंकि कुछ एक एरिया आप देखते हैं कि ऑक्यूपाइड कश्मीर जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, इसके साथ अक्साई चीन वाला एरिया देखिए जो चाइना के पास है, और कुछ एक एरिया जो है नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिलिटेंसी वगैरह होती है, मतलब मिलिटेंट ग्रुप रहते हैं, तो वहाँ का कुछ एरिया जो है क्या नहीं किया गया, उसका कोई सर्वे नहीं किया गया, उसकी कोई रिपोर्टिंग नहीं है। इस वजह से सिर्फ 93% एरिया का जो इंडिया के अंदर है उसको हमने, उसकी रिपोर्ट जो है हमारे पास है, उसके अंदर देखिए क्या कहा गया है। देखिए जम्मू कश्मीर का कुछ एरिया जो पाकिस्तान के पास है और चाइना के पास है वो हमने भी सर्वे नहीं किया है। तो कुछ एक, तो बाकी की जो 93% जिसका हमने सर्वे किया उसके बेस पर हम कह सकते हैं कि जो लैंड है वो क्या है, वो परमानेंट पास्चर के रूप में यूज़ की जा सकती है। इसके साथ साथ जो कैटल पॉपुलेशन को भी, मतलब जो कैटल हमारे हैं जो एनिमल्स हैं तो उसके लिए ग्रेजिंग वगैरह के लिए भी यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ जो करंट फ्लो लैंड है वो भी हमारे पास है जो पुअर क्वालिटी की है, जिसके ऊपर कल्टीवेशन अगर करें तो वो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई पड़ती है, क्योंकि आपको वहाँ पर इरिगेशन के लिए, उसके साथ साथ फर्टिलाइजर आपको यूज़ करने पड़ेंगे, इरिगेशन के मेथड यूज़ करने पड़ेंगे, तो इतनी आपकी फसल नहीं होगी जितना आपका खर्च हो जाएगा। इसके साथ साथ कल्टीवेटेड लैंड भी है जो दो से 3 बार जो है, मतलब जहाँ पर फसल उग सकती है। फॉरेस्ट एरिया भी है, तो देखिए फॉरेस्ट एरिया जो है वो 33% जो है वो डिसाइड किया हुआ है, जबकि हमारी कंट्री के अंदर जो है 33% से भी कम है, 24% के करीब है अभी हमारी कंट्री के अंदर जो फॉरेस्ट एरिया है। और ये किसके द्वारा डिसाइड किया हुआ है, ये नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 के द्वारा डिसाइड किया हुआ है कि एक कंट्री के अंदर जो है कम से कम 1/3 एरिया जो है वो किससे कवर होना चाहिए, वो फॉरेस्ट से कवर होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि फॉरेस्ट जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, मतलब वो हमारे एनवायरनमेंट को शुद्ध करने में काफ़ी ज़्यादा सहायक होते हैं, तो इसलिए जो है लगभग 1/3 एरिया जो है कंट्री का वो फॉरेस्ट से कवर होना चाहिए। लेकिन अभी हमारा कितना है, 24 के अराउंड ही है, इससे ज़्यादा नहीं है हमारा एरिया। तो देखिए ये भी हमारे लिए काफ़ी चिंता का विषय है। अब हम बात करते हैं जैसे कि जो वेस्ट लैंड भी हमारे इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा है, जैसे रॉकी है, एरिड है, मतलब डेजर्ट वगैरह मिलते हैं, और काफ़ी जगह पर जो हमने सेटलमेंट्स बनाए हैं, मतलब बिल्डिंग, रोड और रेलवेज, इंडस्ट्रीज वगैरह हमने लगाई हैं, तो उसकी वजह से मोस्टली जो काफ़ी सारी लैंड हमारी जो है वो वेस्ट लैंड के अंदर भी आती है। अब हम बात करते हैं लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स के बारे में। देखिए लैंड किस वजह से डिग्रेड हो रही है, देखिए ये तो हमने बात की, काफ़ी बार हम बात कर चुके हैं कि लैंड किस वजह से डिग्रेड होती है। देखिए काफ़ी सारी ह्यूमन की एक्टिविटी ऐसी होती हैं जो लैंड को क्या करती हैं, डिग्रेड करती हैं। कुछ नेचुरल भी होती हैं, कुछ जो है जैसे विंड्स वगैरह हैं, और इसके साथ साथ ज़्यादा रेनफॉल हो जाता है उसकी वजह से भी लैंड डिग्रेडेड हो जाती है। लेकिन ज़्यादातर अगर हम बात करें तो ये मोस्टली जो है ह्यूमन की एक्टिविटी की वजह से होती है। क्योंकि देखिए मोस्टली जो हमारी ज़रूरतें होती है ना वो 90% 95% जो ज़रूरतें हमारी लैंड के द्वारा पूरी की जाती हैं, क्योंकि वहीं से हमारे फूड मिलता है, शेल्टर रहने के लिए जगह भी तो लैंड पे ही मिलती है, क्लोथिंग वगैरह भी हमें लैंड से ही मिलती है। कैसे मिलती है, देखिए क्लोथिंग के लिए कि हम क्या करते हैं, कॉटन उगाते हैं, तो कॉटन से जो भी धागा वगैरह बनता है तो उससे भी हमारा क्या होती है, उससे भी हमें जो क्लोथिंग वगैरह कपड़े वगैरह बनते हैं तो वो भी उसके लिए यूज़ करते हैं हम। मोस्टली जो हमारा 130 मिलियन हेक्टेयर का जो एरिया है वो डिग्रेड हो चुका है, मतलब उसको आप जो है किसी भी अच्छे पर्पज़ के लिए उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हो, वो डिग्रेड हो चुकी है। अब इसके लिए क्या मतलब फैक्टर उत्तरदायी हैं, देखिए इसके लिए डिफोरेस्टेशन हम क्या कर देते हैं, पेड़ काट देते हैं, तो उसकी वजह से हमारी लैंड डिग्रेड हो जाती है। ओवर ग्रेजिंग कर देते हैं, ओवर ग्रेजिंग मतलब ज़्यादा ही चराई हो जाती है, माइनिंग होती है, क्वेरिंग होती है, तो उनकी वजह से हमारी लैंड डिग्रेड हो जाती है। माइनिंग की वजह से क्या होता है कि हम जो है क्या करते हैं, वहाँ से मिनरल्स वगैरह निकाल के पूरी की पूरी भूमि को, पूरी की पूरी लैंड को उसको बिल्कुल गहराई तक खोद देते हैं, और उसकी वजह से फिर उसको बाद में क्या करते हैं, हम खाली छोड़ देते हैं। इसकी वजह से हमारी लैंड क्या होती है, वेस्ट हो जाती है। जैसे झारखंड के अंदर, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा वाले राज्यों के अंदर यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन होता है क्योंकि माइनिंग करनी होती है, माइनिंग करेंगे तो वहाँ पे से वृक्ष वगैरह जो है हमें क्या करने पड़ेंगे, वहाँ से हटाने पड़ेंगे। इसके साथ साथ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के एरिया और महाराष्ट्र के एरिया देखिए, यहाँ पर ओवर ग्रेजिंग होती है, मतलब कैटल ज़्यादा रियर करते हैं लोग, तो उनको चराने के लिए जगह भी चाहिए होती है। इसके साथ साथ बात करें पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, यहाँ पर क्या करते हैं हम, इरीगेशन बहुत ज़्यादा कर देते हैं, यानी हम ट्यूबवेल्स वगैरह का ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिनकी वजह से यहाँ पर हम चावल यानी राइस की
कल्टीवेशन करते हैं, जबकि यहाँ पर रेनफॉल इतना ज़्यादा नहीं होता, वाटर की डेफिशिएंसी है। उसके बाद भी हम क्या कर रहे हैं, लगातार जो है जो ग्राउंड वाटर है उसको लगातार डिक्रीज करते जा रहे हैं। क्यों? ट्यूबवेल की वजह से। और ट्यूबवेल की सहायता से हम क्या करते हैं, यहाँ पर ट्यूबवेल वगैरह लगा के उसकी वजह से हम यहाँ पर इरीगेशन करते हैं, तो राइस की जो फसलें वो हम यहाँ पर उगाते हैं। तो इसकी वजह से लगातार क्या हो रहा है, लॉगिंग वाली कंडीशन और सेलिनिटी और अल्कलिनिटी वाली कंडीशन जो है वो हमारी सोयल के अंदर बढ़ रही है, क्योंकि ज़्यादा सिंचाई करेंगे आप तो वहाँ पर सोयल के अंदर जो है सेलिनिटी बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ जो है काफ़ी, इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि इन प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जा सकता है, देखिए अगर हम अच्छे से लैंड का यूज़ करेंगे तो कोई इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम अराइज ही नहीं होगी। देखिए बात करें एफोर इसका जो भी हमने देखे उनसे जो है थोड़ा सा अगर हम उसके थोड़ा सा अपोजिट अगर हम वे अपनाने शुरू कर दें तो लैंड डिग्रेडेशन को रोका जा सकता है। सबसे पहले जैसे हमने किया था कि डिफोरेस्टेशन की वजह से अगर हम पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगा देंगे, अगर हम पेड़ काट रहे हैं तो उनके बदले हमें क्या करना चाहिए, पेड़ लगाने भी तो चाहिए। अगर हम एफोरेस्टेशन करेंगे तो उससे क्या होगा, लैंड डिग्रेड होने से बच जाएगी। ग्रेजिंग की मैनेजमेंट करेंगे, ज़्यादा ग्रेजिंग नहीं करेंगे, अगर ज़्यादा करनी होगी तो उसके लिए अलग से पास्चर लैंड ढूंढेंगे और जो है उसके लिए अलग से जो हमें सेटलमेंट करनी पड़ेगी। प्लांटिंग सेल्टर बेल्ट हम लगाएंगे प्लांट्स के लिए, कंट्रोल करेंगे ग्रेजिंग को। इसके साथ साथ जो सेंट थून है, जो डेजर्ट वाला एरिया है वहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ पर जो थॉर्नी बुशेस हैं उनको ज़्यादा उगाने की कोशिश करेंगे। तो वहाँ पर ज़्यादा उगाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, एक तरीके की स्टेबिलिटी वहाँ पर बन जाएगी, यानी डेजर्ट जो है वो आगे की तरफ ज़्यादा बढ़ नहीं पाएंगे और वहीं पर जो है स्टोर हो जाएंगे। अगर वहाँ पर ज़्यादा जो है छोटे छोटे बुशेस और पेड़ वगैरह अगर हम ऐसे पेड़ वहाँ पर लगा दें तो हो सकता है मे बी कल को वहाँ पर रेनिंग सीजन स्टार्ट हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि जो फॉरेस्ट होते हैं वो हमारे रेन को लेकर आने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो हो सकता है उसको जो है डेजर्ट को थोड़ा सा ऐसी लैंड के अंदर कन्वर्ट किया जा सके जो हमारी कल के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। इसके साथ साथ प्रॉपर मैनेजमेंट करनी है हमने वेस्ट लैंड की, और माइनिंग एक्टिविटीज़ के ऊपर कंट्रोल करना है, प्रॉपर डिस्चार्ज करना है, जो इंडस्ट्री के अंदर जो वेस्ट निकलते हैं उसको हमने वाटर के अंदर नहीं फेंकना है। तो इस तरीके की अगर चीज़ें हम करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारी जो लैंड जो है वो कंजर्व हो जाएगी, हम जो है उसको डिग्रेड नहीं करेंगे, पोल की हमारे लिए अच्छा काम करेगी जो हमारी लैंड है। अब देखिए अब बात करते हैं सोयल। देखिए सोयल भी हमारा लैंड के ऊपर पाए जाने वाली जो ऊपर वाली परत होती है लैंड की, जो बिल्कुल ऊपर वाली जो परत होती है जिसके अंदर पेड़ पौधे वगैरह उगते हैं, हमारे प्लांट्स उगते हैं, तो वो हमारी क्या कहलाती है, वो सोयल कहलाती है। इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि सोयल की फर्टिलिटी, उसके टेक्स्चर पर, उसके कलर पर और उसके नेचर पर डिपेंड करता है कि वहाँ पर जो है किस तरीके के पेड़ पौधे उगेंगे और किस तरीके की वहाँ पर वेजिटेशन होगी, ये भी मोस्टली हमारी सोयल पर डिपेंड करता है। तो देखिए सोयल हमारा क्या एक तरीके का रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। रिन्यूएबल मतलब जो रिन्यू होता रहता है, रिन्यू हो मतलब ये दोबारा अगर एक बार हट जाए तो उसको दोबारा रिन्यू भी किया जा सकता है। तो देखिए ये कई तरह की होती है, इसके अंदर कई तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते हैं सोयल के अंदर, और इसको बनने में 1 इंच वन वन फ्यू इंच ए फ्यू सेंटीमीटर की जो सॉइल होती है उसको बनने में बिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, काफ़ी साल लगते हैं। तो देखिए मेनली जो फैक्टर हैं जो इसकी फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं कौन कौन से हैं, रिलीफ, इसके साथ साथ जो पेरेंट रॉक है, रॉक कैसी है, बेड रॉक, क्लाइमेट कैसा है, वेजिटेशन कैसी है, इसके साथ साथ जो है फॉर्म ऑफ लाइफ कौन सी है यहाँ पर, यानी जो ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे जो सॉइल के अंदर पाए जाते हैं वो कैसे हैं, तो इन सब पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर के अंदर चेंज होता है, इसके साथ साथ रनिंग वाटर अगर बार बार उसके ऊपर से रनिंग वाटर फॉलो करता है, विंड फॉलो करती है, ग्लेशियर ये क्या करते हैं, और इसके साथ साथ डिकम्पोजर जो डिकम्पोज करते हैं जो सोयल को और जो ऑर्गेनिक मैटर मैटर्स को डिकम्पोज करते हैं, उनका अपघटन कर देते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं किसमें, सोयल के फॉर्मेशन में, सोयल को बनाने में। तो देखिए काफ़ी सारे जो केमिकल और ऑर्गेनिक चेंजेस भी होते हैं जो सोयल के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम बात करें कि जो सोयल होती है उसके अंदर ऑर्गेनिक जो हमारा ह्यूमस होता है और इनऑर्गेनिक दोनों तरीके के मटेरियल पाए जाते हैं। देखिए ह्यूमस जो है वो प्लांट की ग्रोथ के लिए अच्छा माना जाता है। देखिए बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ सोयल के बारे में, किस तरह की सोयल पाई जाती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए ये माउंटेन के अंदर और फॉरेस्ट सोयल है हमारी जो माउंटेन के अंदर पाई जाती है, ये एलुवियल सोयल आप देख सकते हैं जो रिवर्स के द्वारा यहाँ पर डिपॉजिट की जाती है, ये रेड और येलो सोयल आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये ब्लैक सोयल है, और इसके साथ से ये थोड़ा सा ये जो लाइट कलर में आपको दिख रही है ये हमारी लेटराइट सोयल है, और यहाँ पर देखिए ये सैंडी एरिड सैंडी सोयल है, ये एरिड एरिया के अंदर जो पाई जाती है सूखे वाली जगह पर। तो
तो देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ सोयल में सबसे पहले हम बात करें एलुवियल सोयल। एलुवियल सोयल हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट सोयल होती है और ये हमारे नदन प्लेन के अंदर पाई जाती है, यानी जो हमारे इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा वाले जो प्लेन्स हैं उनके अंदर ये सोयल पाई जाती है, क्योंकि इन्हीं रिवर्स के द्वारा और इनकी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा जो भी डिपॉजिट लेके आया जाता है, यानी जो भी सिल्ट वगैरह लेके आई जाती है, उनके द्वारा ये बनती है। तो देखिए, हिमालयन रिवर्स हैं जो इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा, इनके द्वारा जो डिपॉजिट लाए जाते हैं उनके द्वारा ये बनती है। ये राजस्थान के अंदर, गुजरात के अंदर बिल्कुल थोड़े से एरिया के अंदर है, लेकिन अगर हम बात करें बाकी जगह पर जो एलुवियल सोयल है वो कहाँ पर मिलती है, यहाँ पर ईस्टर्न ईस्टर्न एरिया के अंदर भी मिलती है। जो ईस्टर्न कोस्टल एरिया है ये कौन से हैं, देखिए महानदी का डेल्टा है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी रिवर्स है, तो इनका जो डेल्टा है वहाँ पर भी मिलते हैं। इनके ये अपने साथ क्या लाती हैं, सेंड, सेल्ट और क्ले, ये अपने साथ लेकर आती है। तो देखिए, इसके अंदर दो तरह की सोयल, जो एलुवियल सोयल है उसको दो तरह की सोयल में क्लासिफाइड किया गया है। एक तो ओल्ड सोयल होती है, जो पुरानी सोयल है इसको बांगर बोलते हैं, और इसके साथ साथ जो नई सोयल है उसको, नई एलुवियल सोयल है उसको खादर बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारी ओल्ड सोयल को क्या है, बांगर, और जो न्यू सोयल है उसको खादर बोलते हैं। अब देखिए, जो बांगर सोयल होती है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कंकर होते हैं, कंकर जो मोटे मोटे अब कंकर बोलते हैं तो वो होते हैं, जबकि खादर होती है वो काफ़ी महीन होती है, बारीक होती है। तो ये देखिए, इसके अंदर काफ़ी फाइन पार्टिकल होते हैं और ये काफ़ी फर्टाइल होती है, ये खादर वाली काफ़ी फर्टाइल होती है। ये कंकड़ वगैरह वाले अगर कोई सॉयल होगी तो उसके अंदर आपको भी पता है कि वहाँ पर वेजिटेशन इतनी ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन ये जो फाइन पार्टिकल वाली, जो खादर वाली जो सॉयल आपको दिखाई दे रही है, वहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मतलब न्यूट्रिएंट मिलते हैं, और इसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल भी होती है। तो देखिए, एलुवियल सोयल के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, सबसे पहले बात करें पोटास, फास्फोरिक और लाइम, ये इसके अंदर जो है काफ़ी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। और ये किसके लिए अच्छे होते हैं, देखिए जो सुगर केन होता है, पैडी, वीट और दूसरी सीरल और पल्सेस जो वाली जो क्रॉप्स होती हैं उनके लिए ये जो सोयल होती है वो काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी क्या है, एलुवियल सोयल है। उसके बाद बात करते हैं ब्लैक सोयल के बारे में। देखिए, इस सोयल को हम रेगूर भी बोलते हैं, रेगूर सोयल भी बोलते हैं, और ये ब्लैक होती है, नाम से पता लग रहा है, कलर में भी ये ब्लैक होती है। ये कॉटन की फसल के लिए काफ़ी अच्छी होती है, इसलिए इसको ब्लैक कॉटन सोयल भी बोला जाता है। अब देखिए, इसकी पेरेंट रॉक जो होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी की वजह से इसका कलर कैसा बन जाता है, ब्लैक बन जाता है। जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है ना उसके अंदर जो बेसाल्ट बेसाल्ट जो रॉक पाई जाती है उसकी वजह से इसका कलर जो है वो क्या होती है, उसकी जब विदरिंग होती है, विदरिंग होती है, इरोजन होता है, डिपोजिशन होता है उसी का विदरिंग होने के बाद, तो उसकी वजह से ये हमारे ये क्या बनती है, ब्लैक सोयल बनती है। और ये हमारी जो है नॉर्थ वेस्ट वाला जो डेक्कन प्लेट्यू है उसके अंदर मिलती है। तो देखिए, डेक्कन प्लेट्यू आपने देखा है इस तरीके से, ये पेनिनसुलर रीजन है, तो यहाँ पर जो ट्रेंगुलर शेप में आपको दिखता है ये डेक्कन प्लेट्यू है, इसके इस एरिया के अंदर पाई जाती है। देखिए, यहाँ पर मैप के अंदर देखिए, जो हमने पीछे मैप देखा था ये देखिए, ये डेक्कन प्लेट्यू वाला आपको एरिया दिख रहा है, ये देखिए इसके ही एरिया के अंदर ये पाई जाती है। ये आपको एलुवियल सोयल, ये जो इंडस के द्वारा, ये गंगा के द्वारा, और ये इधर देखिए ये ब्रह्मपुत्रा रिवर के द्वारा, ये हमारा एलुवियल वाला एरिया है। तो हम बात कर रहे थे ब्लैक सोयल के बारे में, तो देखिए ये यहाँ पर इस रीजन के अंदर पाई जाती है। तो ये कौन कौन से रीजन है, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और साउथ ईस्ट डायरेक्शन किसकी, गोदावरी और कृष्णा वैली की, जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली, यहाँ पर जो हमारी कृष्णा रिवर फॉलो करती है, यहाँ से गोदावरी रिवर फॉलो करती है, यहाँ से कृष्णा रिवर फॉलो करती है, तो इनकी ये वाली डायरेक्शन जो है उसकी बात की गई है। उसके साथ साथ देखिए, ये जो है एक्सट्रीमली फाइन होती है, क्ले होती है, बिल्कुल क्ले जैसी, क्ले टाइप की मिट्टी होती है। इसके अंदर जो है मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, जैसे अपने क्ले टाइप की कौन सी होती है, जैसे जिस मिट्टी से जैसे कुम्हार जो पोटर होता है वो अपने पोट वगैरह बनाता है, जो कुम्हार होता है वो बर्तन वगैरह बनाता है, वो मोस्टली इसी सॉइल का यूज़ करता है, क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है। ये इसके अंदर जो है काफ़ी न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं, कौन कौन से हैं देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, लाइम इसके अंदर मिलते हैं, लेकिन फास्फोरिक जो कंटेंट है वो इसके अंदर नहीं मिलता, उसके अंदर जो है ये काफ़ी कम मात्रा में मिलता है। और देखिए, जब ड्राई सीजन होता है ना, हॉट सीजन होता है, ड्राई सीजन होता है, तो ये इसके अंदर डीप क्रैक्स पड़ जाते हैं, ये देखिए इस तरीके से, ड्राई सीजन होता है तो इसके अंदर इस तरीके से डीप क्रैक्स पड़ जाते हैं, ये दरारें पड़ जाती हैं इसके अंदर।
अब हम बात करते हैं रेड और येलो सॉयल। देखिए, रेड और येलो सॉयल भी हमारी किससे बनती है, जैसे हमारी जो बेसाल्ट से बनी थी ब्लैक सॉयल, तो ये भी हमारी इस तरीके से इग्नेस रॉक से बनती हैं, लेकिन उस एरिया के अंदर बनती हैं जहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होता है। और ये कौन से एरिया के अंदर? ईस्टर्न और सदर्न एरिया के अंदर, जो डेकन प्लेट्यू वाला, देखिए डेकन प्लेट्यू वाला ये वाला एरिया आपने देखा था, यहाँ पे ब्लैक सॉयल थी, लेकिन इसने बात की ईस्टर्न और ये सदर्न इस पोर्शन के बारे में। तो यहाँ पर क्या मिलेगी? रेड और येलो सॉयल मिलेगी। ये किस एरिया के अंदर है? ओडिशा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट ऑफ द मिडल गंगा प्लेन, और इसके साथ साथ पिडमाउंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट। पिडमाउंट जोन किसका? वेस्टर्न घाट का। पिडमाउंट मतलब जो नीचे वाला हिस्सा होता है, जैसे ये हमारे घाट्स हैं, घाट्स का जो नीचे पिडमाउंट, जो नीचे वाला, अब नीचे से जहाँ से ये अपना राइज करते हैं, वो नीचे वाला जो एरिया, जैसे माउंटेन का जो फुट हिल वाला जो एरिया होता है, ये यहाँ पर ये सॉयल मिलती है। और ये देखिए, ये येलो क्यों दिखाई देती है? क्योंकि ये येलो तब दिखाई देती है जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है, मतलब जब इसके अंदर रेड सॉइल के अंदर जब थोड़ी मात्रा में पानी चला जाता है या मॉइस्चर जब आ जाता है इसके अंदर, तो ये क्या कह ये थोड़ी सी येलो आपको कलर में दिखाई देती है, तो इसलिए इसको येलो सॉइल बोला जाता है। और रेड क्यों दिखाई देती है? क्योंकि इसके अंदर जो है, इस सॉइल के अंदर आयरन का जो है कंटेंट मिलता है, थोड़ा सा जो आयरन का कंटेंट इसके अंदर मिलता है, इसकी वजह से जो है ये आपको रेड दिखाई देती है। लेकिन अगर इसके अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर यानी वाटर अगर इसके अंदर चला जाए, तो इसका कलर जो है येलो में टर्न हो जाता है, तो इसलिए इसको रेड एंड येलो सोयल भी बोलते हैं। तो इसकी आप फिगर यहां पर देख सकते हैं, ये देखिए रेड एंड येलो सोयल आपको दिखाई दे रही है। बात करते हैं लिटराइट सोयल के बारे में। देखिए, लिटराइट सोयल जो है किससे लिया गया है? लैटिन का जो वर्ड है लेटर, उससे लिया गया है, जिसका मतलब क्या है? ब्रिक। तो देखिए, ये मोस्टली जो है ऐसे एरिया के अंदर डेवलप होती है जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है और जहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि वेस्टर्न घाट वाले एरिया हो गए, नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया हो गए वहाँ पर, ठीक है। इसके साथ साथ देखिए, इसकी हैवी रेन की वजह से यहाँ पर लीचिंग बहुत ज़्यादा होती है, मतलब जो सॉयल होती है वो काफ़ी ज़्यादा लीचिंग कर जाती है, मतलब एक तरीके से मार्शेज उसके अंदर बन जाते हैं, दलदल टाइप का जो एरिया बन जाता है वो। ह्यूमस कंटेंट इसके अंदर लो होता है, क्योंकि वाटर की वजह से क्या होता है, वो बह जाता है, ज़्यादा वो बारिश होती है ना, तो उसकी वजह से बह जाता है। बिकॉज मोस्ट ऑफ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिकम्पोजर और बैक्टीरिया होते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं हाई टेम्परेचर की वजह से। तो ये इसके अंदर ह्यूमस कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि जो हमारे जो बैक्टीरिया वगैरह पाए जाते हैं ना सॉइल के अंदर, वही ह्यूमस को बनाने का काम करते हैं। अब ज़्यादा रेनफॉल होगी, ज़्यादा टेम्परेचर होगा, ज़्यादा गर्मी होगी, तो ये क्या हो जाएंगे? डेथ हो जाएगी इनकी, या ये ज़मीन के अंदर काफ़ी गहराई के अंदर चले जाएंगे, या डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो उसकी वजह से यहाँ पर ह्यूमस कंटेंट भी आपको बहुत कम मिलेगा। ये कल्टिवेशन के लिए अच्छी हो सकती है, कब? जब इसके अंदर फर्टिलाइजर और मैन्योर यानी खाद वगैरह जब इसके अंदर मिलाई जाए, तभी हो सकती है। ये किसके अंदर पाई जाती है? देखिए, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और हिली रीजन जो है ओडिशा और आसाम के, उनके अंदर मिलती है। इसके साथ साथ देखिए, ये हिली एरिया के अंदर अगर इस सॉइल का अच्छे से यूज़ किया जाए, तो ये टी और कॉफ़ी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। तो आप देख सकते हैं कि जो रेड लेटराइट जो सॉइल होती है, वो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला के अंदर पाई जाती है। जो काजू काजू होता है, काजू नट, उनकी फसल के लिए काफी ज्यादा अच्छी मानी जाती है। तो यहां पर देख सकते हैं, ये लेटराइट सोयल आपको दिखाई दे रही है। बात करते हैं एरिड। नाम से ही आपको क्लियर है, एरिड बिल्कुल ऐसी गर्म वाली जगह, सूखी जगह पर, यानी एक तरीके से अब बात करें हम अगर हम डेजर्ट की, तो ऐसे एरिया के अंदर मिलती है। तो देखिए, इसकी रेंज जो है रेड से लेकर ब्राउन तक हो सकती है, मतलब ये रेड भी हो सकती है कलर में, साथ के साथ ब्राउन भी हो सकती है, अलग अलग उसमें होती है। तो इसका एक तरीके से टेक्सचर कैसा होता है? बिल्कुल सैंडी सैंडी होता है, स्लाइन होता है, बिल्कुल सैंड, रेत के दानों की तरह ये सॉयल जो है आपको मिलेगी। इसके अंदर देखिए सॉल्ट का कंटेंट ज़्यादा होता है, जो ये हमारी सॉइल होती है इसके अंदर सॉल्ट का कंटेंट ज़्यादा मिलता है। ये देखिए, ड्राई क्लाइमेट के अंदर ये अंदर पाई जाती है, जहाँ पर ड्राई क्लाइमेट होता है, बहुत सूखा क्लाइमेट हो, जहाँ पर इसके साथ साथ हाई टेम्परेचर हो, इवेपोरेशन भी बहुत ज़्यादा हो, मतलब पानी जल्दी से वहाँ पर उड़ जाता है। इसके साथ साथ सॉइल जो है, सॉइल की वजह इसकी सॉइल के अंदर क्या है, जो सॉल्ट का कंटेंट है वो ज़्यादा पाया जाता है, मतलब ह्यूमस कम होगा, मॉइस्चर भी कम होगा और ह्यूमस भी कम होगा, तो इसलिए जो है ये ज़्यादातर क्या होती है, ये ज़्यादा जो है फर्टाइल नहीं होती है। और इसके जो लोअर होराइजन अगर हम बात करें, जैसे ऊपर की तरफ थोड़े सैंड वाले जो है कण मिलेंगे, लेकिन अगर थोड़ा सा नीचे चले जाएं, तो यहाँ पर थोड़े कंकड़ टाइप की जो है, कंकड़ टाइप की आपको सॉयल मिलेगी। और ये जो है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो है कैल्शियम, जिसकी वजह से कंकड़ जो है वो डेवलप हो जाते हैं, कैल्शियम कंटेंट ज़्यादा पाया जाता है, इसकी वजह से ये कंकड़ टाइप की बन जाती है नीचे से।
उसके बाद बात करें फॉरेस्ट सोयल की, तो देखिए ये हिली एरिया के अंदर और माउंटेन जो एरिया है उनके अंदर मिलती है, जहाँ पर सफिशियंट रेन फॉरेस्ट होते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो माउंटेन और हिल के ऊपर जो भी फॉरेस्ट पाए जाते हैं, तो वहाँ पर जो सोयल पाई जाती है तो उसको हम फॉरेस्ट सोयल बोलते हैं। तो देखिए ये जो सोयल होती है वो काफ़ी सिल्टी और लूमी होती है वैली के अंदर, लेकिन एक मोटे अनाज की तरह, कोर्स्ड ग्रेन की तरह होती है इन अपर स्लोप, यानी ऊपर वाले एरिया के अंदर जो है बिल्कुल अनाज की तरह होती है, और नीचे वाले वैली वाले अगर एरिया की बात करें तो वहाँ पर एक तरीके से लूमी, बिल्कुल चिकनी सी और बिल्कुल बारीक सी होती है, सिल्टी सिल्ट की तरह बिल्कुल बारीक। तो ये देखिए ये स्नो की वजह से, कवर्ड होने की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, एसिडिक होती है, और इसके अंदर जो है ह्यूमस कंटेंट भी काफ़ी ज़्यादा लो होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर भी डिकम्पोजर जो होते हैं, जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ज़्यादा, जो स्नो का टेम्परेचर आप देखते हैं, स्नो जो है हमारी 0 डिग्री सेल्सियस पर जमती है, अगर उससे नीचे तक टेम्परेचर चला जाए तो वहाँ पर डिकम्पोजर ज़्यादा टाइम तक रह नहीं पाएंगे डिकम्पोजर, यानी जो हमारे बैक्टीरिया वगैरह हैं। तो जब वो बैक्टीरिया वगैरह वहाँ पर नहीं होंगे, कोई डिकम्पोजिशन का प्रोसेस नहीं होगा, तो वहाँ पर क्या होगा, लो ह्यूमस कंटेंट होगा, वहाँ पर ज़्यादा ह्यूमस नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एरिड वाली है, यानी जो डेजर्ट टाइप की आपको दिखाई दे रही है, और देखिए ये इस तरीके की जो आपको सोयल वहाँ पर मिलेगी माउंटेन्स वाले रीजन के अंदर, यानी फॉरेस्ट सोयल। अब हम बात करते हैं सोयल इरोजन के बारे में और सोयल कंजर्वेशन के बारे में। देखिए सोयल इरोजन तो आपको पता है, जब हमारी जो सोयल होती है ना वो ऊपर से इरोड हो जाती है, जब उसकी वाशिंग हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सोयल इरोजन बोलते हैं। देखिए जो ऊपर का सोयल कवर हो जाता है, जब वो वाश डाउन कर दिया जाता है, चाहे वो विंड के द्वारा किया जाए, विंड के द्वारा हो, ग्लेशियर के द्वारा हो, वाटर के द्वारा हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सोयल इरोजन, यानी ऊपर की पूरी जो सोयल है वो वहाँ से ख़त्म हो जाती है। तो ये किसकी वजह से हो सकता है, ये हमारा जो है डिफोरेस्टेशन ज़्यादा हो जाता है, जब पेड़ पौधे नहीं होंगे तो पूरी की पूरी जो है सोयल ऐसे ही, मतलब उसके ऊपर आसानी से जो है विंड भी उसको अच्छे से क्रॉस कर जाएगी वहाँ से, और वाटर भी। लेकिन अगर वहाँ पर फॉरेस्ट ज़्यादा होंगे तो वो क्या करेंगे, मिट्टी के कणों को उसकी जड़ें जो है बांध के रखेंगी, तो उसका इरोजन नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप फॉरेस्ट को कट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी, मिट्टी जो है वो उखड़ जाएगी, और उससे क्या होगा, वो वाटर के साथ, ग्लेशियर के साथ और विंड के साथ जो है आसानी से इरोड हो जाएगी। ओवरग्रेजिंग के साथ भी ऐसे ही, कंस्ट्रक्शन और माइनिंग की जगह पर भी ऐसे ही हुआ। तो देखिए रनिंग वाटर जो है वो क्या करता है कि जब वो फॉलो करता है तो वो क्या करता है, इस सोयल को इरोड करता हुआ चलता है। जब सोयल को इरोड करेगा तो वहाँ पर क्या बन जाते हैं, गलीज बन जाते हैं। गलीज मतलब इस तरीके की वैलीज बन जाती हैं, इस तरीके से वो सोयल को इरोड करता जाता है। ये किनारा उसने इरोड कर दिया, इरोड करते 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 इस तरीके से इसको पूरा वाइड कर देता है, और इस तरीके से इस गली के अंदर से फिर वाटर फॉलो करता है। तो ये इस तरीके की बन जाती है, ये जैसे हिली एरिया है इसके अंदर से ये ऐसे फॉलो करता हो जाता है, ये ऐसे, ये हमारा माउंटेन्स का एरिया बीच में से ये इस तरीके से गलीज वगैरह बना देता है और यहाँ से फॉलो करता है। तो ये हमारी क्या कहलाती है, डीप गलीज कहलाती है। अब देखिए जो लैंड होती है वो, ये जो लैंड होती है, जो इरोजन अगर लैंड का हो जाए तो वो कल्टीवेशन के लिए अच्छी नहीं होती, और वो एक तरीके से बैड लैंड में टर्न हो जाती है, क्योंकि ऊपर वाला जो सोयल जिसके अंदर ह्यूमस कंटेंट था, जिसके अंदर न्यूट्रिएंट थे, वो पूरा इरोड हो जाएगा, तो वो लैंड किस में हो जाएगी, बैड लैंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरीके से देखिए जो चंबल रिवर है उसका जो बेसिन है ना, वो भी क्या करता है, इसी तरीके से रेवाइन बनाता है। ये जो गलीज होती हैं, ये जो अगर जो गलीज हो, ये जो गलीज होती है ना वो कम डीप होती हैं, लेकिन अगर ये जो है बार बार इनके अंदर से फॉलो करता रहे वाटर, तो इसको काफ़ी ज़्यादा डीप कर देता है, और जब काफ़ी ज़्यादा डीप कर देता है तो उसको क्या बोलते हैं, रेवाइंस बोलते हैं। तो देखिए कई बार जो है वाटर क्या करता है कि काफ़ी ऊंचाई से जब नीचे की तरफ गिरता है, तो उससे भी वो क्या कर देता है, सोयल को इरोजन कर देता है और अपने साथ बहा कर ले जाता है। इसको हम क्या करते हैं, ऊपर वाली पूरी की पूरी शीट को ही अपने साथ बहा कर ले जाता है, तो उसको हम शीट इरोजन भी बोलते हैं। अब इसको जो है कंजर्व करने के मेथड क्या है, ये देखिए ये सोयल को कंजर्व करने के मेथड्स आपको दिए हुए हैं, ये हम जो है पिछले लेसन्स के अंदर भी काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि उसके अंदर मेथड काफ़ी ज़्यादा थे। अब यहाँ पर जो है 4 मेथड्स दिए हुए हैं, काउंटर प्लोगिंग है, टेरेस कल्टिवेशन है, स्ट्रिप क्रॉप है, और सेल्टर बेड्स है। इनको आप फिगर की सहायता से आप देख सकते हैं। देखिए ये आप डिफोरेस्टेशन से देख सकते हैं, किस तरीके से डिफोरेस्टेशन की वजह से यहाँ की पूरी सोयल उखड़ गई है। ये देखिए ओवरग्रेजिंग, यहाँ पे देखिए कितने सारे पशु आपको दिखाई दे रहे हैं, एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं, और ग्रेज करने के लिए आपको देखिए लैंड बिल्कुल कम पड़ गई है, यानी यहाँ पर ग्रेजिंग एरिया इतना है नहीं, यहाँ पर जो घास बहुत कम है, जबकि एनिमल्स बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से यहाँ पर ओवर ग्रेजिंग हो रही है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और यहाँ पर माइनिंग एक्टिविटीज़ की तरह से देखिए यह पूरी की पूरी लैंड जो है वो डिग्रेड हो चुकी है। यहाँ से देखिए पूरा का पूरा इसका कितना बुरा हाल हो चुका है।
यहाँ पर देख सकते हैं सॉइल को कंजर्व करने के कुछ मेथड, ये देखिए स्ट्रिप क्रॉपिंग, इस तरीके से स्ट्रिप बनाकर आप क्रॉपिंग करते हैं तो वाटर का फ्लो जो है वो रुक जाता है और वो यहीं पर स्टे हो जाता है वाटर। इसकी वजह से क्या होती है कि जो सॉइल है वो फॉलो नहीं कर पाती। ये देखिए टेरेस फार्मिंग, इस तरीके से हिली एरिया के अंदर टेरेस फार्मिंग, वाटर को इस तरीके से जाना होता है तो उसकी वजह से इस तरीके से जाएगा तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी और सॉइल इरोजन नहीं होगा। एक इसी तरीके से सीधा वाटर आएगा तो उससे क्या होता है इरोजन ज़्यादा होता है। लेकिन अगर ऐसे करके ऐसे सीढ़ियां बना ली जाए तो उसका क्या होगा, फ्लो कम हो जाएगा और उसकी वजह से सॉइल कम इरोड होगी। ये देखिए टिल प्लांटिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं, और ये देखिए कवर क्रॉप्स हम यहाँ दे सकते हैं, छोटी छोटी घास उगा देते हैं इस क्रॉप के मतलब पूरी की पूरी लैंड के ऊपर। ये खाली पड़ी है लेकिन इसके ऊपर थोड़ी बारीक बारीक घास उगा देते हैं तो वो क्या करती हैं, सॉइल की जो कण है, जो सॉइल के जो कण होते हैं उनको बांध के रखती हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो है इरोड नहीं हो पाती। इसके साथ साथ देखिए काउंटर क्रॉपिंग, इस तरीके से बेल्ट बना दी जाती हैं हिल स्लोप के बेस पर, और इसकी वजह से क्या होता है वाटर की मूवमेंट जो है वो होने से बच जाती है, मतलब थोड़ा स्लो होती है, ज़्यादा नहीं हो पाती। इस तरीके से विंड ब्रेक्स बना दिए जाते हैं, मतलब पूरी की पूरी जो है ऐसे लंबाई में पूरी लेंथ में ट्रीज़ की पूरी बेल्ट बना दी जाती है जिसकी वजह से विंड का फ्लो जो है वो ये रोक लेते हैं, कम होता है और उसकी वजह से जो है सोयल इरोड नहीं हो पाती है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये मल्चिंग देख सकते हैं, पूरी की पूरी लैंड को क्या कर दिया है स्ट्रॉ से, यानी जो स्ट्रॉ वगैरह है उससे इसको ढक दिया है, जो भूसा वगैरह होता है उससे ढक दिया। इससे क्या होता है कि इसके पेड़ के आसपास जितना भी मॉइस्चर है, नमी है, वो इसके अंदर बनी रहती है, वो इवेपोरेट नहीं होती, यानी वो एयर के साथ इवेपोरेट होकर नहीं जाएगी। ये स्ट्रिप फार्मिंग आप देख सकते हैं इस तरीके से, ये स्ट्रिप वगैरह बना के इस तरीके से यहाँ पर की जा सकती है। यहाँ पे बीच बीच में ये स्ट्रिप बना दी है और यहाँ पर फार्मिंग की है, बाकी को खाली छोड़ दिया गया है। यहाँ पर क्रॉप रोटेशन आप देख सकते हैं, एक के बाद एक क्रॉप जो है वो वहाँ पर देख सकते हैं आप, अलग अलग क्रॉप जो है वो लगाई जा रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग क्रॉप्स जो है यहाँ पर लगाई जाती हैं, क्रॉप रोटेशन बार बार क्रॉप को चेंज करके यहाँ पर क्रॉप उगाई जाती है। और ये ड्राई फार्मिंग भी, यानी ऐसी फार्मिंग करना जिसके अंदर जो है आपको कम मॉइस्चर की ज़रूरत हो, ज़्यादा मॉइस्चर की ज़रूरत ना हो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा मतलब हमारी सोयल इरोजन को रोकने के लिए, यानी सोयल कंजर्वेशन के कुछ मेथड हो जाएंगे। आई थिंक ये आपको लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप PDF अगर चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड गॉड ब्लेस यू।